नमस्ते फ्रेंड्स, सिमीज मसाला किचन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। त्योहारों का मौसम आ गया है, हर घर में मिठाइयाँ बन रही हैं, तो आज हम बनाते हैं चॉकलेट बर्फी, बेहद सॉफ्ट क्रमली बर्फी और उसके ऊपर स्मूथ एंड डिलीशियस चॉकलेट लेयर। ज़्यादातर इसमें परेशानियाँ आती हैं कि बर्फ़ी काटते हुए चॉकलेट लेयर क्रैक हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप बर्फी को बिल्कुल अच्छे से काट सकेंगे और इतनी अच्छी स्मूथ फिनिश आएगी और आपकी चॉकलेट लेयर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होगी। चलिए फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बर्फ़ी को जमाने के लिए एक डिश तैयार कर लेते हैं। या तो आप एक थाली को घी से ग्रीस कर लीजिए या कोई इस तरह की बेकिंग डिश ले लीजिए और उसको पार्चमेंट पेपर से लाइन कर लीजिए। फिर हम एक कढ़ाई को बिल्कुल लो हीट पर रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 300 ml होल मिल्क, 100 ml। जब मिल्क थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसमें हम डालेंगे 130 ग्राम सोल्टेड बटर और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक बटर मेल्ट ना हो जाए। फिर हम ऐड करेंगे 240 ग्राम शुगर। और जब शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 595 ग्राम ऑफ फुल फैट मिल्क पाउडर और सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम एकदम लो रखेंगे और बर्फ़ी को लगातार चलाते हुए कुक करेंगे। मिक्सर को लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है वरना आपकी बर्फ़ी नीचे से लग जाएगी। बर्फ़ी का मिक्सर धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बर्फ़ी को कुक होते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद आपका मिक्सर कुछ कुछ इस तरह से दिखने लगेगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर, थोड़े से स्ट्रैंड्स ऑफ सैफ्रॉन, 1 टीस्पून लेमन जूस और 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट। बाकी सब चीज़ें तो फ्लेवर के लिए हैं, पर लेमन जूस इससे बर्फ़ी बेहद क्रम्बली बनती है और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और बर्फ़ी को लो हीट पर लगातार चलाते हुए कुक करते रहेंगे। ध्यान रहे हमें बर्फ़ी को लगातार चलाते रहना है। बर्फ़ी के मिक्सर को कुक होने में 8 से 10 मिनट तक का समय और लगेगा। तार कुक करते हुए मिक्सचर एक लंप की तरह बन जाएगा और कढ़ाई की साइड्स को छोड़ना शुरू कर देगा। बस हमारा मिक्सचर तैयार है। जिस भी ट्रे में हमें मिक्सर को सेट करना है उस ट्रे में हम मिक्सर को गरम गरम ही ट्रांसफ़र करेंगे। फिर हम इस मिक्सर को किसी स्पैचुला या चम्मच की सहायता से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ पर स्क्वायर डिश इसलिए लिए है ताकि बर्फ़ी काटते हुए वेस्टेज बहुत कम हो। अगर आप राउंड डिश लेंगे और बर्फ़ी के स्क्वायर पीसेस काटेंगे तो आपकी बर्फ़ी काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप भी स्क्वायर डिश का ही इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम बर्फ़ी को आधे घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। जितने बर्फ़ी सेट हो रही है हम चॉकलेट लेयर तैयार कर लेते हैं। एक बोल में 150 ग्राम चॉकलेट लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल। आप मिल्क, डार्क और वाइट कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। कोकोनट ऑयल ऐड करने से आपकी चॉकलेट हार्ड नहीं होगी। ये थी हमारी टिप नंबर 1। बर्फ़ी को सेट होते हुए 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम उसे फ्रिज में से निकाल लेंगे। चॉकलेट को हम माइक्रोवेव में मेल्ट कर लेंगे और फिर इसको बर्फ़ी के ऊपर पोर करेंगे और एक स्पैचुला की सहायता से अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि चॉकलेट अच्छे से स्प्रेड हो जाए और उसकी एक फाइन लेयर बन जाए। जब चॉकलेट इवनली स्प्रेड हो जाए
तो फिर हम इसको इस तरह से वर्कटॉप पर 3-4 बार टैप कर लेंगे, इससे चॉकलेट लेयर एकदम स्मूथ हो जाएगी। टिप नंबर 2, परफेक्ट चॉकलेट लेयर के लिए बर्फ़ी को 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट फ्रिज में सेट कीजिएगा। जब बर्फ़ी सेट हो जाए तो उसे फ्रिज में से निकाल लेंगे, पर बर्फ़ी को कट करने से पहले आधे घंटे के लिए उसे रूम टेम्परेचर पर रखेंगे। ये थी टिप नंबर 3। इससे हमारी चॉकलेट लेयर बहुत आसानी से कट जाएगी। पार्चमेंट पेपर की हेल्प से बर्फ़ी बहुत आसानी से डीमोल्ड हो जाएगी। हम बर्फ़ी को चारों तरफ से अच्छे से ट्रिम कर लेंगे। चारों तरफ से बर्फ़ी को अच्छी तरह से ट्रिम करने से हमारी बर्फ़ी की फिनिश एकदम बाजार वाली बर्फ़ी जैसी आएगी। अब हम बर्फ़ी के नीचे से पार्चमेंट पेपर हटा देंगे और उसको वापस चॉपिंग बोर्ड पर रखेंगे। अब हम बर्फ़ी के ऊपर इक्वल साइज़ के स्क्वायर्स मार्क कर लेंगे। अब हम बर्फ़ी को काटना शुरू करेंगे। उसके लिए हम एक शार्प नाइफ से सबसे पहले सिर्फ चॉकलेट लेयर को काटेंगे। ऐसा करने से हमारी चॉकलेट लेयर क्रैक नहीं होगी और हमारी बर्फ़ी बहुत अच्छे से स्मूथली कट जाएगी। ये थी टिप नंबर 4। और जब हमारी चॉकलेट लेयर कट जाएगी तब हम नाइफ को अंदर तक डालकर पूरी बर्फ़ी को काट लेंगे। इसी तरह से हम अपनी बाकी सारी बर्फ़ी को भी काट लेंगे। हमारी परफेक्ट चॉकलेट बर्फ़ी बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी बर्फ़ी लेयर एकदम से क्रम्पली और सॉफ्ट है और चॉकलेट लेयर एकदम स्मूथ, बिल्कुल बढ़िया बाजार जैसी फिनिश वाली। एकदम बाजार जैसी परफेक्ट चॉकलेट बर्फी बनाने के लिए इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपके कोई भी कमेंट्स और सजेशंस हों तो प्लीज़ उनको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।